सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल आने वाला है हमारा न्यू रैंक सीजन और आज चल रहा है हमारे गेम का अपडेट। और जैसे ही न्यू रैंक सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो साथ में आप लोग पुश करना भी स्टार्ट कर दोगे, जहां तक कि इस बार मैं भी रैंक पुश करने वाला हूं। तो मैं ये टिप्स एंड ट्रिक उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो सोलो में रैंक पुश करते हैं या सोलो में करना चाहते हैं, या फिर जो डुओ में रैंक पुश करते हैं या डुओ में करना चाहते हैं। अगर ये ट्रिक काम नहीं करी तो तुम लोग सब डिसलाइक मार सकते हो, बट मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इजी ट्रिक बताने वाला हूं। जो बंदा ग्रैंड मास्टर जाना चाहता है ग्रैंड मास्टर जा सकता है सोलो और डुओ में, या जो बंदा आज तक हीरोइक नहीं गया वो हीरोइक तो जा सकता है 2-3 घंटे में। जैसे कि अभी तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये कैरेक्टर स्किल, आप लोगों को यही कैरेक्टर स्किल लेनी है। के कैरेक्टर इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के कैरेक्टर को लेके आप लोग जोन में भी सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप लोग डुओ में खेल रहे हो, तुम्हारा टीममेट मर गया तो बहुत काम आने वाला है। साथ में आप लोग गाड़ी वाला कैरेक्टर भी ले सकते हो डुओ खेल रहे हो उसमें भी, और सोलो खेल रहे हो तो उसमें तो सबसे ज्यादा काम आएगा। और ये ग्लूवॉल वाला कैरेक्टर जरूर ले लेना, क्योंकि आपके पास अगर ग्लूवॉल 2 है और सामने वाला बंदा अगर आपका एक ग्लू को तोड़ेगा तो उस पे वो ग्लू टूटेगा ही नहीं। फिर उसके बाद आप लोग इस चीज को ध्यान से देख सकते हो, आप लोगों को बॉनफायर नहीं खेल रहा है, आप सोलो खेल रहे हो या डुओ खेल रहे हो, आप लोगों को यही चीज लेनी है, सिलेक्ट कर लेना है सीक्रेट ग्लू। जैसे ही आप प्लेन से उतरोगे तो आपको ये दिखाई देगा मैप में, कहीं भी खोल के देख लेना, ये आपको सारा सामान देगा। एक को ओपन करोगे तुरंत और गाड़ी वाला कैरेक्टर होगा फिर तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ले लेनी है। अब चलते हैं गेम प्ले की तरफ, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरा स्कोर कितना है। आप लोगों को लग रहा होगा स्कोर कम है, तो यहाँ पे 5000 से ज्यादा स्कोर है, उस पे मैं तुम लोगों को ये ट्रिक करके बता रहा हूँ। मैं अभी नहीं बोलूंगा आप लोगों से लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, अगर ये ट्रिक काम करती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना आसानी से बाद में। सो बस गाइस, यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा गेम और हमारा मैप आया है बरमूडा, और बरमूडा में ही कम से कम 80% लोग तो बरमूडा में ही खेलते हैं और बरमूडा आता है, तो आप लोग ध्यान से देखना अब इस चीज को। तो चलो गाइस, डायरेक्ट हम गेम पे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक साइड उतरना है, कभी भी बीच में नहीं उतरना है। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो मेरे 2 बंदे आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ नहीं उतरूंगा, अगर उनके साथ भी उतरा तो थोड़ा सा उनसे आगे चले जाना है। आप लोगों को स्टार्टिंग में तो फाइट लेनी ही नहीं है अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो स्टार्टिंग में ले सकते हो, क्योंकि आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप लोग मर भी जाते हो तो आप लोग रिवाइव हो जाओगे। अब देखो, मैंने अभी तक फाइट नहीं लिया, अभी 35 बंदा अलाइव है और मैं अभी भी जोन पे ही हूँ, बट अगर मेरे ऊपर जोन आ भी जाता है तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस मेरे पास है के। और आप लोग यहाँ पे अगर सोचो आप डुओ खेल रहे हो, तुम अकेले बचे हो, तो अकेले बचे हो तो भाई देखो यहाँ पे आप लोग छिप सकते हो आराम से, यहाँ पे छिप सकते हो, इसके नीचे और भी बहुत सारी जगह। तुम यहाँ से जैसे देखोगे तो यहाँ पे एनिमी तुमको बहुत कम देख पाएगा, बट चलो अगर मैं तुम लोगों को अभी एक और न्यू जगह दिखा देता हूँ, मतलब न्यू जगह तो नहीं है, ये जगह बहुत कम लोगों को पता है, तो जो लोग बहुत काफी टाइम से पुश कर रहे हैं वो इस जगह आते नहीं है, बट नए नए बंदों को ऐसी ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो बैठ के रैंक पुश कर सके, छिप के रैंक पुश कर सके। जैसे कि तुम अभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ऐसी ऐसी जगह है ना, मतलब जब जोन आ जाता है ना, पहला जोन खत्म हो जाता है, समझो तुम डुओ या स्क्वाड खेल रहे हो, अकेले बचे हो, और ऐसी ऐसी जगह पे तुमको जोन आ जाता है, बहुत ज्यादा जोन, तो यहाँ पे कोई देखने आता नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद आप लोग अपने टीममेट्स को रिवाइव भी दे सकते हो या सोलो खेल सकते हो, तो भी आपके पास के कैरेक्टर है तो भी आप लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। अब जैसे गाइस मैं आ गया डायरेक्ट पीक पे, अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कोई मिडल वाला जोन जो घर होता है ना मिडल में, बिल्कुल वहां पे जाके आप लोग सर्वाइव करो। अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना ये एक गाड़ी अपने साथ जरूर रखना, और गाड़ी नहीं है तो बिल्कुल जोन के साइड साइड में रहना है, मिडल में तो कभी जाना ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है, आपके गेम में रैंक पुशर बंदे आएंगे, रस करने वाले भी आते हैं, अगर बीच में आपको देख लिया तो आपके लिए मतलब दिक्कत आ सकती है। अब बॉनफायर की जगह उस क्लू चीज का लेने का फायदा क्या हुआ, जैसे हमने वो बॉक्स ओपन किया हमें उसमें मिला लॉन्च पैड, हम लॉन्च पैड से कहां पे आ गए, इसकी छत के ऊपर। हमेशा अगर कोई बंदा जोन में से आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखो उसको कभी भी तुम्हें जोन में आने नहीं देना है, क्या पता तुम्हारे लिए वो दिक्कत पैदा कर दे। अब देखो इस बंदे को इतना डैमेज दे रखा था ना, ये लॉन्च पैड से उड़ के आया, बट हम यहाँ पे 2 बंदे थे तो हम इसे मिलकर यहाँ पे मार देंगे, अगर डुओ खेल रहे हो तो, और सोलो में हो तब भी आप लोगों को छोड़ना नहीं। अब देखो यहाँ पे गाइस सिर्फ 9 बंदे बच रहे हैं, 1 किलो है हमारा, अभी हम यहाँ पे 2-3 किल और कर लेंगे आराम से, और हमारा पूरा प्लस भी हो जाएगा और हमारा गेम बुया भी हो जाएगा बहुत इजी। आप लोगों को भी इसी तरीके से साथ में रह के खेलना है। साथ में रहने का फायदा क्या होता है, देखो मेरे एक बंदे को डैमेज आ रहा था मैंने उसको कवर दिया, अब मेरे को डैमेज आ रहा था तो उसने मेरे को कवर दिया, बट जब आप लोग डुओ में पुश करते हो बहुत से लोग क्या करते हैं साथ में नहीं रहते और मर जाते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे दोनों ने मिलकर इन दोनों बंदों को इजिली यहाँ पे फिनिश कर दिया और हमारा 2-2-3-3 किल भी हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन है, हम इनको मार के इजिली
बुया ले लेंगे। देखो मेरे एक टीममेट ने उसको नॉक किया। अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, बट अगर सोलो खेल सकते हो तो देखो यहाँ पे मेरे ग्लू होल वाला करेक्टर कितना काम आ रहा है। वो मेरा ग्लू तोड़ने का कोशिश कर रहा था पर यहाँ पे उससे नहीं टूटा। तो गाइस आप लोगों को भी इसी तरीके से साथ रह के खेलना है, अगर सोलो खेल रहे हो तो भी और डुओ खेल रहे हो तो भी आप लोगों को ध्यान से खेलना है, और सोलो में तो फाइट लेना ही नहीं है। तो इस बार मैं भी रैंक पुश करने वाला हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ रैंक पुश करना चाहते हो तो मैंने कमेंट में लिंक पिन कर दिया है अपने व्हाट्सएप चैनल का, सारे भाई लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैं आप लोग सब लोगों से बोलूंगा मुझे रिक्वेस्ट भेजने के लिए, मैं वहाँ पर UID दे दूंगा, तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। और मेरी इस ट्रिक से अगर आप लोगों को थोड़ा भी फायदा होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में कर देना, अभी कोई बात नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।